पटना एयरपोर्ट पर ही बीजेपी एमएलसी को घेर लिया शिक्षकों ने। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। पटना एयरपोर्ट पर ही घिर गए बीजेपी एमएलसी, जा रहे थे बैठक करने। दरअसल आज बैठक बुलाई गई है बिहार विधान परिषद में, तमाम जो शिक्षक कोटि के नेता हैं, जो शिक्षक कोटे से चुनकर आते हैं एमएलसी बनकर, उनकी बैठक है शिक्षकों के मुद्दे पर। तो शिक्षकों के मुद्दे पर बैठक करने के पहले नेताजी घिर गए शिक्षकों से। जी हाँ, शिक्षकों ने घेर लिया। दरअसल ये वित्त रहित शिक्षक हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम उन नेताओं का घेराव कर रहे हैं जो शिक्षक कोटे से चयनित होकर आते हैं एमएलसी बनते हैं। उनका घेराव किया था पिछले दिनों इन्होंने, मदन मोहन झा का भी घेराव किया था, नवल किशोर यादव का भी घेराव किया था, और आज एयरपोर्ट पर ही घेर लिया बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार को। जी हाँ, तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जब शिक्षकों ने बीजेपी एमएलसी को एयरपोर्ट पर ही घेर लिया तो क्या क्या हुआ, क्या हुआ इन दोनों के बीच, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ प्रकरण रहा, आप पूरा प्रकरण देखिए पहले। बाद में होगा सर, आप ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो बिहार में पहली बार जीत के आए, और आपने कहा था कि जब तक हमको वेतन, जब तक वित्त रहितों को वेतन नहीं मिलेगा मैं वेतन नहीं लूंगा, हम लोग गुहार करने आए हैं। आप आपके साथ हम खड़ा है, पहले भी खड़ा थे। हाँ, जी, हम जहाँ भी हैं, मैं बता दे रहा हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, चाहे विपक्ष में रहा चाहे सरकार में हूँ, पहले जीवन कुमार शिक्षकों का जीवन है, उसके बाद किसी का जीवन है। सर सर, ये वित्त रहित, एक सेकंड सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपकी सरकार ने इस वित्त रहितों को अनुदान दिया है सर, और आपने हर कोटि के हर संवर्ग के टोला सेवक से लेकर के किसी भी सेवक को आपने कोई ना कोई मानदेय दे दिया है सर। इस न्याय के साथ विकास की यात्रा में सिर्फ वित्त रहित छूट गया सर, कृपया इसको शामिल कराने की कृपा करें आज की बैठक में सर। आप जान लीजिए कि चुनाव के पहले भी मैंने बहुत सारे मुद्दे को रखा था सरकार के पास में, और चुनाव के बाद भी लगातार मैं मुद्दों को रखता रहा हूँ। बहुत सारे मुद्दों को सरकार ने सॉल्व करने का प्रयास किया, जैसे बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली हुई नियोजित शिक्षक हमारे बीच में थे उनको राजकर्मी का दर्जा दिया हुआ, ये मेरा ही आंदोलन किया हुआ था पूरे बिहार में, जान लीजिए। और मैंने कहा था कि वित्त रहित शिक्षकों का भी परमानेंट मैं समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा, और आपके लिए मैं आज भी खड़ा हूँ और मैं लड़ूंगा और मैं जा रहा हूँ। इसी आपके चलते ही हम लोगों ने हाउस में इस बात को रखा था, और आज उसी का देन है कि एक अलग से कमेटी बनाई गई जिसमें माननीय जो है हमारे मंत्री रहेंगे, माननीय हमारे सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी हैं वहाँ पे वो भी रहेंगे, और हमारे साथी सदन के साथी भी रहेंगे। ये हम लोग का मांग किया गया सर। सर 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 सर, आज समस्या का समाधान के लिए हम लोग आशान्वित है सर, एक मिनट। लेकिन सर, हम लोग आपके आवास पे भी बैठे हुए हैं, हमारे साथी वहाँ भी बैठे हुए हैं आपके आवास पे, लेकिन हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, हमारा दिवस है सर, वो हम 4 तारीख को भी फिर आपके पास आएंगे, और हम लोग लगातार अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। आप जान लीजिए कि हम जिस परिस्थिति में पटना है, हम मालूम है सर, आपकी पत्नी का तबियत खराब है मुझे मालूम है सर, हॉस्पिटल में है। हाँ बिल्कुल सर, उसके बाद भी मैं आपके, थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर आपके प्रति भावना है। थैंक यू सर, हम आपके घर पे बैठे हुए सर, सर प्रोजेक्ट विद्यालय में एचआर दूनवासी के बाद हम लोग नियुक्त हैं सर। प्रोजेक्ट विद्यालय का ही मामला मैंने उठाया है, बहुत कम शिक्षक बचे हैं, और प्लस टू का जो मामला है मैंने उसको भी उठाया है। जान लीजिए कि समस्या का समाधान होना ही है। सिंगल बेड से भी आगे बढ़ चुका है, 30 तारीख को डबल बेड भी हम लोग के पास, 30 तारीख को डबल बेड भी हम लोग के पास। एक मिनट, अवधेश बाबू के पास में हम लोग कल थे तो उन्होंने कहा है कि जीवन बाबू को आप बोले, संजय बाबू को बोले, वो मामला लाए, हम रिकमेंड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जा रहे हैं, हम आपके चलते आए हैं। तो देखा आपने कि शिक्षक नेताओं ने गुहार लगाई, शिक्षकों ने नेता से, बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार से, कि वो शिक्षकों के हित में काम करें, शिक्षकों के लिए। जो दरअसल जो वित्त रहित शिक्षक हैं उन्हें वेतन नहीं मिला है तो वो वेतन की गुहार लगा रहे हैं, उनका कहना है कि भूखमरी वाली हालात हो गई है, तो जो सरकार से उनके लिए गुहार लगाएं आप, और जो वित्त रहित शिक्षक हैं उन्हें रेगुलर किया जाए, इस तरह की मांग कर रहे हैं वित्त रहित शिक्षक। क्या मांग थी आपने सुनी, और उसके बाद क्या कुछ कहा बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने, ये आप सुनिए।
जो है अपनी मांगों को लेकर आपसे मिलने आए हैं, क्या कुछ मांग है और इनका आप समस्या कब तक हल करेंगे? देखिए, हमारे जो शिक्षक यहाँ आए हुए हैं एयरपोर्ट पर मिलने के लिए हम लोग से, इनके मांग जायज है और हमने पहले भी इनकी मांग को उठाते रहे हैं। हम पहले भी सरकार से कहते रहे हैं कि आपने कहा है कि हम 4 लाख बहाली निकाल रहे हैं और आपने कई बहालियां की हैं, इनकी संख्या, ये बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, हमारे गेस्ट टीचर हैं, हमारे अतिथि शिक्षक, हमारे फिजिकल टीचर हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि चाहे सरकार विपक्ष में, हम विपक्ष में रहें या सरकार में रहें, सबसे पहले जीवन कुमार सिस्को का जीवन है। हमेशा मैं कहता हूँ कि सिस्को का जीवन कुमार जो है ना, जीवन पहला है, बाद में सरकार और विपक्ष की मैं बात करता हूँ। ये मुद्दा जो है, जो आज से नहीं आ रहा, ये मुद्दा पहले का मुद्दा है। मैंने इस बात को उठाया है, हाउस में उठाया है और हमारे साथ एक हमारे साथी और भी उठाए थे। आज उसी के चलते आज मीटिंग भी रखा जा रहा है विधान परिषद में और स्पेशली मैं इसी मीटिंग के चलते मैं यहाँ आया भी हूँ, ठीक है। और मेरा अपना मानना है कि ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा और निश्चित रूप से सॉल्व होगा, क्योंकि इनके साथ न्याय होना ही चाहिए। जी, आपने कहा था गेस्ट शिक्षक का कि जब तक वेतन उनको नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना वेतन नहीं उठाऊंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपना वेतन अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि मेरे संकल्प थे, मैं अपने संकल्पों पर हमेशा अडिग रहता हूँ। हमारे जो संकल्प हैं, मैं अपने संकल्पों के साथ जीता हूं और संकल्पों के साथ ही मेरा जो है आगे का रास्ता चलता है। देखिए, सवाल यह है कि हालात कब बदलेंगे, सरकार आपकी है, सवाल देखिए आप सही कह रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार हमारी है। देखिए, सरकार में बहुत चीज़ें ऐसा है जो सरकार को लगता है कि ये चीज़ें हमें नहीं माननी चाहिए, हाँ, लेकिन हमारा अपना मान, देखिए मैं सरकार के साथ हूँ नहीं हूँ ये फर्क नहीं करता, मैं सबसे पहले शिक्षकों के साथ हूँ, मैं सबसे पहले शिक्षकों के साथ हूँ, शिक्षा व्यवस्था के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदले, बिहार में शिक्षकों की व्यवस्था बदले और शिक्षकों के साथ जो गलत तरीके से अमानवीयपूर्ण व्यवहार हुए हैं वो नहीं हो, और इसलिए ये मामला जो है जायज है। निश्चित रूप से बहुत सारे मामले हमारे पास इसके अलावे और भी हैं, गेस्ट टीचर के अलावे फिजिकल टीचर्स का मामला है, बहुत सारे अनुदानित कॉलेज का मामला है, अनुदानित हाई स्कूल का मामला है, जहाँ पे ग्रांट की इशू है, वो सारे मामले को मैंने उठाया है और ऐसे सारे मामलों पर डिस्कस होगा वहाँ पर, और मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व होगा, क्योंकि हम लोगों ने विधान परिषद में मांग किया था कि एक अलग से हम लोग का कमेटी गठित की जाए, अलग से मतलब सेक्रेटरी बैठे, विधानसभा के विधान परिषद के अध्यक्ष बैठे और हम लोग साथ में बैठे, एक अलग से डिस्कस हो, और आज वो डिस्कशन होने की बात हुई है। हमारे सेक्रेटरी साहब भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, माननीय मंत्री जी भी रहेंगे, तो सब लोग रहेंगे, तो जो लोग इसको देखने वाले लोग हैं, जो व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, वो सारे व्यवस्था को चलाने वाले लोग आज रहेंगे और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। जिंदाबाद। तो सुना आपने कि जीवन कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। जीवन कुमार कह रहे हैं कि वो शिक्षकों के हित में लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं, उनके लिए न पक्ष है न विपक्ष है, पहले शिक्षकों का जीवन है और जीवन कुमार का यही जीवन है। तो शिक्षकों के हित की बात उन्होंने की है और शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करने को उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की आवाज़ वो बुलंद करते रहेंगे, मीटिंग में जा रहे हैं और मीटिंग में इस बात को भी वो उठाएंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो वित्तरहित शिक्षक हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार उन नेताओं को घेर रहे हैं जो शिक्षकों के द्वारा ही चुनकर आते हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं, उन्हें वेतन नहीं मिला है, भुखमरी के हालात हैं और ऐसी स्थिति में ये शिक्षक जो अब घेरने को तैयार हैं शिक्षक नेताओं को और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो आज उन्होंने बीजेपी MLC जीवन कुमार को एयरपोर्ट पर ही घेर लिया। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।